बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस में इस लेक्चर से हम जो है कुछ थ्योरम्स जो हैं सर्कल पे वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरम्स का प्रूफ भी हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है क्या, उसकी स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे फिर उसके प्रूफ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरम ये है, पहले मैं उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर उसको ग्राफिकली हम समझते हैं और फिर उसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। थ्योरम है लेंथ ऑफ अ डायमीटर, लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 2a, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट गिवन है लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 2a है, ये हमने जो है प्रूफ करना है, ये थ्योरम है, ठीक है। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ग्राफिकली मैं सबसे पहले एक सर्कल बनाऊंगा यहां पर। ये सपोज एक सर्कल है, ठीक है, इसको हम सर्कल की शेप में ले आते हैं। ये एक सर्कल है और सर्कल का डायमीटर आपको पता है क्या होता है, सर्कल का डायमीटर मतलब यहाँ पर सपोज अगर सेंटर लाई कर रहा है, सेंटर पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, तो फिर इस सेंटर से एक लाइन पास कर रही होगी जो कि सर्कल की बाउंड्री तक जाएगी, ठीक है, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी सर्कल की बाउंड्री तक जाएगी। इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन हम सपोज कर लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और चले हम इसको स्ट्रेट कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी फिगर अच्छी बन जाए और हम इसको समझना भी आसान हो जाए, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, इस तरह से इसको थोड़ा सा जो है मैं यानी कि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, इसको जो है बाउंड्री के ऊपर आना चाहिए दोनों साइड से, मतलब कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करी हो ये लाइन, और तो और उसके अलावा जो होता है कि मतलब एक जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे लाए कर रहे होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो है ये डायमीटर बन जाता है। अच्छा, अगर ये हमारा जो है डायमीटर है, ठीक है, ये अगर डायमीटर है तो इस डायमीटर यानी कि इस सर्कल की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसकी डायमीटर का जो डिस्टेंस है या डायमीटर की जो लेंथ है वो 2a है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं ये जो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है इसके कोऑर्डिनेट्स, चलें इसको हम ओ कह देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं 0, 0 ले लेते हैं, कि हम कहते हैं कि ये ओरिजिन पर लाए कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन पर लाए कर रहा है। उसके अलावा ये दो पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स जो डायमीटर के बन रहे हैं, एक ए, एक को हम ए कह देते हैं और दूसरे को हम बी कह देते हैं, ठीक है। तो ए के हम जो है कोऑर्डिनेट्स कोई ना कोई ये पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोई ना कोई बनते होंगे, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमें नॉन नहीं है या अननोन है, तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं एक्स वन और वाई वन, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके अलावा हमने क्या कहा कि सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट 0, 0 है, मतलब कि सर्कल ओरिजिन पर, सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो ओरिजिन पर लाए कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस में ओरिजिन पर लाए कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ये लाइन बन रही है ए ओ बी लाइन, ठीक है, इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अब ए पॉइंट भी इस लाइन पे लाए कर रहे हैं, ओ पॉइंट भी इस लाइन पे लाए कर रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, ठीक है, ए के एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट्स हैं और ओ के 0, 0 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी स्लोप कहूँगा, स्लोप अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह से होगी, इसकी स्लोप एम हम कह देते हैं, एम है, ठीक है, तो एम इज इक्वल टू y वन माइनस 0 डिवाइडेड बाय
एक्स वन माइनस जीरो, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ये हमारे पास इसकी स्लोप आ जाती है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास स्लोप आ चुकी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन। ठीक है, अब यहाँ पर वाई वन मतलब कि वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट अभी हम कहते हैं कि मैं जीरो पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ए भी पुट कर सकते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि जीरो पुट कर लेता हूँ क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट 0,0 हमें गिवन है। तो वाई माइनस जीरो हो गया इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू क्या है, वाई वन ओवर एक्स वन। ठीक है, ये इक्वल टू वाई वन ओवर एक्स वन है, तो एम इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट जो पहले हमने पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट भी लिया उसका अब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा जीरो है जो कि। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें तो ये बनता है वाई इज इक्वल टू वाई वन ओवर एक्स वन इंटू एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन यानी कि ए ओ बी लाइन बनती है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर मैं कहूँ कि जो हमारा सर्कल की इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर वन है, तो हमारे जो है इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर टू कह देता हूँ। ठीक, तो अभी तक हमने क्या किया कि सपोज किया एक पॉइंट, ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट को हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लिया जो कि एक्स वन वाई वन है, तो उसकी यानी कि जो लाइन डायमीटर लाइन है उसकी हमने इक्वेशन लिख लिया वाई इज इक्वल टू वाई वन ओवर एक्स वन इंटू एक्स। अच्छा, अब ये हमारे पास y की वैल्यू है जो कि किसके इक्वल है, y1 ओवर x1 इंटू x, ये हम अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी y मौजूद है ना, तो y की वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी है तो हम क्यों ना इस अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दें और x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो चलें, पुटिंग y, पुटिंग y इज इक्वल टू वाई वन ओवर एक्स वन इंटू एक्स इन इक्वेशन नंबर टू, बल्कि इक्वेशन नंबर टू में से तो हम वैल्यू ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर वन जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें हमने पुट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वेयर वो तो एज इट इज आ जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर, वाई की जगह अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है वाई वन ओवर एक्स वन इंटू एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स वन। अगर मैं एक्स वन से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि एक्स वन स्क्वेयर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका मैं स्क्वेयर अगर ओपन करूँ तो ये बनता है, यहाँ पर भी इसका होल स्क्वेयर है, तो वाई वन स्क्वेयर ओवर एक्स वन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इस एक्स वन स्क्वेयर को मैंने डिनोमिनेटर से खत्म करना है तो मैं पूरी इक्वेशन को एक्स वन स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स वन स्क्वेयर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वेयर इंटू एक्स वन स्क्वेयर ये बन गया। अब इन दोनों टर्म्स में से जो है एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर इंटू क्या बन जाएगा, एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स वन स्क्वेयर। अब जैसा कि हमारा जो यानी कि ए पॉइंट है वो लाई कर रहा है सर्कल की बाउंड्री पे, तो इसको सर्कल की इक्वेशन में अगर पुट करें तो वो सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी कि ये पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इस इन कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो मतलब कि एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर जो है वो ए स्क्वेयर के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर, तो क्यों ना इसकी जगह हम ए स्क्वेयर पुट कर दें, तो एक्स स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू एक्स वन स्क्वेयर। ठीक है, अब ये ए कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है क्या, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वेयर। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स वन बल्कि एक्स वन आ जाता है क्योंकि स्क्वेयर रूट हमने दोनों साइड पे ले लिया। अब देखें, x जो है एक दफा पॉजिटिव एक्स वन के इक्वल है, ठीक है, x जो है एक दफा पॉजिटिव एक्स वन के इक्वल है और एक दफा x जो है वो नेगेटिव एक्स वन के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वैल्यूज़ यानी कि पुट करेंगे एक्स वन की, एक दफ़ा पॉजिटिव एक्स वन और एक दफ़ा नेगेटिव एक्स वन, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू, क्योंकि हमने वाई की वैल्यू भी चाहिए, तो इक्वेशन नंबर टू में हम पुट कर देते हैं। तो चलें यहाँ पर हम पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू वाई वन ओवर एक्स वन
इनटू एक्स है, ठीक है। तो एक्स की जगह आप देख लें कि एक्स वन आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स वन, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इज़ इक्वल टू, ये एक्स वन से कैंसिल, वाई वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि पॉइंट हमारे पास क्या बन जाता है, पॉइंट हमारे पास बनता है जब एक्स एक्स वन के इक्वल है तो वाई वाई वन के इक्वल है, एक्स वन वाई वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है। इसी तरह से आप ये देखें कि जब हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वन है तो इसको भी हम पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू वाई वन ओवर एक्स वन इंटू माइनस एक्स वन, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया लेकिन नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस वाई वन, ठीक है। मतलब कि जब हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस एक्स वन है तो वाई माइनस वाई वन है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं और जिनके यानी कि कोऑर्डिनेट्स एक एक्स वन वाई वन है और दूसरा माइनस एक्स वन माइनस वाई वन है। तो ये कौन से यानी कि पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स वो हैं जो कि हमारे सर्कल के ऊपर लाया करें, जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हैं, ठीक है। क्यों एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, क्योंकि हमने फाइंड आउट ही यहाँ से की है, हमने इक्वेशन ऑफ जो है लाइन डायमीटर लाइन हमने फाइंड आउट की थी और उसको फिर हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो उसको बल्कि हमने अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट किया और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई हैं, तो वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी, एंड पॉइंट्स ऑफ हमारे जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये अगर एक्स वन वाई वन है वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, माइनस एक्स वन वाई वन, मतलब कि हम दूसरे पॉइंट को ये कह देते हैं माइनस एक्स वन वाई वन जो है दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक पॉइंट के अगर एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हमने अपने थ्योरम की तरफ देखें कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेंथ ऑफ द डायमीटर, लेंथ ऑफ द डायमीटर हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो अभी तक तो हमने जो है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर फाइंड आउट किए हैं, मतलब कि एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो लेंथ ऑफ डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है। इसकी लेंथ क्या बनेगी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो क्यों ना ए और बी के दरमियान डिस्टेंस हम फाइंड कर लें, ठीक है। ए बी डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द डायमीटर है, लेंथ ऑफ डायमीटर है, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। तो डिस्टेंस फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ करें, अगर ए पॉइंट एक्स वन वाई वन है और बी पॉइंट माइनस एक्स वन वाई वन है तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, तो ये बनता है एक्स वन प्लस एक्स वन का होल स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट आप देख लें एक एक्स वन है और एक माइनस एक्स वन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या बनता है, एक्स वन माइनस इंटू माइनस एक्स वन, जो कि एक्स वन प्लस एक्स वन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्लस वाई वन यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ठीक है, अगर ये ए है और ये बी पॉइंट है तो फिर वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस वाई माइनस वाई इंटू वाई वन, ठीक है, माइनस वाई वन, तो ये वाई वन प्लस वाई वन बन जाता है, वाई वन प्लस वाई वन का होल स्क्वेयर और उसके ऊपर होल स्क्वेयर रूट, क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, टू एक्स वन का स्क्वेयर, जो कि एक्स वन का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस टू वाई वन का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर रूट। अब यहाँ से यह है कि स्क्वेयर आप ऊपर कर ले, फोर एक्स वन का स्क्वेयर प्लस फोर वाई वन का स्क्वेयर बनता है और ऊपर होल स्क्वेयर रूट, फोर कॉमन ले लें, एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर, ठीक है, और उसके ऊपर होल स्क्वेयर रूट। तो यहाँ से आप वैल्यूज देख सकते हैं, टू स्क्वेयर रूट ऑफ यानी कि फोर का स्क्वेयर रूट लें तो टू आ जाता है, ठीक है। तो एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर ये आ जाता है, उसके अलावा एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर ये किसके इक्वल था, हमने शुरू में देखा था एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर जो है वो ए स्क्वेयर के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसकी जगह ए स्क्वेयर पुट कर सकते हैं, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट जो है स्क्वेयर से कैंसिल आउट हुआ तो इज इक्वल टू टू ए आ गया। मतलब कि लेंथ ऑफ डायमीटर गिवन, डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल जो है वो क्या है, वो टू ए है, ठीक है, जो कि हमने प्रूव करना था। तो आप यहाँ से अपने स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इज़ टू ए, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब हम ये तो थ्योरम नंबर वन था, एक और थ्योरम की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, थ्योरम नंबर टू आप इसे कह लें, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है,
सेंटर से जो है वो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे? अच्छा, सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इस स्टेटमेंट को हम सबसे पहले तो ग्राफिकली समझते हैं कि स्टेटमेंट हमें कहना क्या चाह रही है, ठीक है। स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है कि ये देखें, हमारे पास एक सर्कल है, सपोज इसको हम जो है सर्कल की शेप में एग्जैक्टली ले आते हैं ताकि हमारी फिगर जो है वो अच्छी बन जाए। इस तरह से ये हमारे पास सर्कल है और सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर लाए कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो यहाँ पर लाए कर रहा है। उसके बाद आप ये देखें, उसके अलावा एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड भी चले हम यहाँ पर बना लेते हैं, चले रेड कलर से बना लेते हैं। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ये होता है कि जो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो यानी कि जगह पे कट कर रही हो, दो पॉइंट्स पे जो है इंटरसेक्ट कर रही हो। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक कॉर्ड मैं बनाता हूँ, सपोज इस तरह से जो है ये लाइन है, ठीक है, और ये कॉर्ड है, इस सर्कल की कॉर्ड है। तो ये दो पॉइंट्स बनते हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट, जिन दो पॉइंट्स पे ये यानी कि कॉर्ड या कॉर्ड लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ड्रॉ करें एक यहाँ पर परपेंडिकुलर, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमने ड्रॉ करना है और ऑन अ कॉर्ड, और कॉर्ड पे जो है वो हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इसके देख लें आप, ये परपेंडिकुलर क्या बनता है? परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर लाइन बनती है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की एक कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। कोई भी हम कॉर्ड ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं, कोई भी लोकेशन आप उसकी बना सकते हैं, मतलब ठीक है, सर्कल के अंदर। तो ये हमने जो है परपेंडिकुलर लाइन जो है कॉर्ड के ऊपर हमने ड्रॉ की। उसके बाद हमें क्या कहा जाता है कि बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है हमेशा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, मतलब अगर ये पॉइंट जो है ये ए बी लाइन या ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसका यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल को ओ कह देते हैं, ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वन और वाई वन कह देते हैं, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू और वाई टू कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पॉइंट पे जाके इसको यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम एम कह देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने सेंटर से ड्रॉ की है इस कॉर्ड के ऊपर, इसको बाइसेक्ट करिए यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करिए। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले स्लोप ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी कॉर्ड, ठीक है, वो क्या होगी? आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो फार्मूला ऑफ स्लोप में पुट कर दें, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास आप परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्लोप ऑफ ओ एम, ठीक है, ओ एम। अब क्यों परपेंडिकुलर लाइन है? देखें परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यानी कि अगर ये एम वन है और एम टू, इसकी स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन होगा। तो इस लिहाज से फिर हमारे पास इसकी स्लोप जो है वो बन जाती है एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, ये इसकी स्लोप बन जाती है। आप यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस की जो है प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप जब हमारे पास आ चुकी है तो फिर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या बनेगी, यानी कि ओ एम लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ ओ एम लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो है इसकी स्लोप हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास पॉइंट जो है वो भी हमारे पास मौजूद है, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। तो इक्वेशन ऑफ ओ एम लाइन हमारे पास आएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी कि जो कि स्लोप है,
ओवर वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, इन टू एक्स माइनस ज़ीरो। ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ ओ एम लाइन आती है, ठीक है। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो वाई इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन इन टू एक्स बनती है। इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। तो इसी तरह से इक्वेशन ऑफ, ये मैंने इक्वेशन ऑफ ओ एम लिखी है, ओ एम लाइन। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ ए बी भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी भी हमारे पास स्लोप मौजूद है, ठीक है, और इसके पॉइंट्स भी, कोई भी एक पॉइंट यूज़ करके आप जो है वो इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन वो क्या बनेगी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप क्या है, वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू इन टू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ ए बी बनती है, ए बी लाइन। इसको हम इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें हमने प्रूव क्या करना था, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है इन दोनों, यानी कि इस लाइन का, इस कॉर्ड का। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो एम पॉइंट है वो क्या पॉइंट बना है, इंटरसेक्शन भी है इन दोनों लाइन, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। तो हम क्यों ना इन दोनों लाइंस की इक्वेशन जब हमारे पास आ चुकी है तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरह से फाइंड किया जाता है, जब दो लाइंस की इक्वेशन हमें पता हो तो हम दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। सॉल्विंग वन एंड टू, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू आ जाती है एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लें, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इक्वेशंस जो हैं सॉल्व करना आपको आती हैं, ठीक है। तो अब मैं उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाऊँगा, मुझे यानी कि इसका मेथड समझाना था, ठीक है। तो सॉल्विंग वन एंड टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू आएगी। तो इसको आप दोबारा से किसी भी इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में पुट कर दें और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें, तो वाई की वैल्यू आपके पास आएगी वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमने, यानी कि दो इक्वेशंस को सॉल्व किया तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया, और इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, एक एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू है, और वाई वन वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू है। तो ये हमारे पास जो है इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि एम के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट्स अगर ये हैं तो अगर आप मिड मिड पॉइंट फार्मूला अगर यूज़ लगाएं, ठीक है, यूज़ करें यानी कि मिड पॉइंट इन दोनों का फाइंड करें तो क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, मतलब कि सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाई टू और सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाई टू, जो कि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। तो क्या ये वही नहीं है, बिल्कुल वही है, मतलब कि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया है इन दोनों लाइन्स का, परपेंडिकुलर लाइन और कॉर्ड का। तो हमारे पास जो है मिड पॉइंट आया है ए बी कॉर्ड का, यही हमारे जो है थ्योरम का की स्टेटमेंट थी, तो यही हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो ये दो थ्योरम्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।